तो अच्छा होता इसे 6 साल पहले। नानी, जा बेटा तू बाहर जा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू बाहर जा। नानी, मैंने कितनी बार कहा है, भले डोरी जन्म से मेरी बेटी नहीं है, लेकिन कर्म से धर्म से वो सिर्फ मेरी बेटी है। भले उसकी रगों में मेरा खून ना हो, लेकिन उसके रगों में मेरा प्यार है। दोबारा ऐसी गलती मत करना, और डोरी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरी बेटी नहीं है। आई बात समझ में? नीलू बुआ गंगा चाचा की मशीन ले गई, कीड़े पड़ेंगे उन्हें, और खीर खाएंगे तो भी मिर्ची लगेगी, और चाट खाएंगे तो मक्खी निकलेगी उसमें से। एक बात बताऊं सत्तू, मशीन तो बाबा का काम है। तू चिंता मत कर डोरी, पापा कहते हैं भगवान जी मुश्किल देते हैं तो उसका हल भी देते हैं। गोविंद चाचा कहते तो सब ठीक होगा, बट हो हल मिलेगा कहाँ से? हे संकटा मैया, कोई राह दिखाओ जिससे डोरी बाबा की मशीन ले आए। तो स्कूल जाता है तो ये पढ़ के दिखाना क्या लिखा है। बाल दौड़ प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार 5001 का इनाम। 5001, इसमें तो तेरे बाबा की मशीन भी आ जाएगी डोरी। संकटा मैया का नाम लिया और उन्होंने रास्ता दिखा भी दिया। चल सत्तू, बाबा की मशीन लेनी है। आखिरी 2 रुमाल बचे हैं, ये भी बिक जाए तो गोलार से डोरी के लिए मोमोज ले आऊंगा, से बड़े पसंद है। ये संकटा मैया, बस आखिरी 2 रुमाल बिकवा दे। भैया 4 रुमाल देना। भैया 4 नहीं 2 है, अब 2 ले लीजिए। हाँ ठीक है, 2 दे दीजिए। 80 रुपए भैया, ले लीजिए। ये लीजिए। ए गंगा, बेटा सिकंजे पिएगा क्या? नहीं नानी। अच्छा, पूरे 500 रुपए कमाए जी संकटा मैया, 200 रुपए के डोरी के लिए मोमोज और घर के लिए राशन आ जाएगा, और 300 रुपए नीलू जी को देकर मशीन वापस ले आऊंगा। बंदूक नीचे करो, किसी को चोट लग सकती है। चोट ही तो लगा रही है उसे, जिसने वंश ठाकुर की दादी को गुस्सा दिला है। बताओ कहाँ है वो लड़की? वंश, जियो मेरे लल्ला जियो। अपनी दादी से तुम इतना प्यार करते हो कि गोली चलाने के लिए तुम तैयार हो गए? तू जा, तू तैयार हो जा, आज तेरी रेस है ना। राज, तुम जाना लल्ला के साथ। चाचू, क्यों? आपने वादा किया था कि आप चलेगी। वादा तो किया था, लेकिन एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए आज हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। गुरु और लल्ला, चलो हमारे साथ, तुमको रेस हम जिता कर लाएंगे। लल्ला,
साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी करना हो इस रेस में और जिंदगी के रेस में तुम्हें पहले नंबर पर ही रहना है। पक्का दादी? लला ठाकुर आपको तैयार भी होना है, चलिए। और वैसे भी वंश के सर पे आपका आशीर्वाद है, उसे कौन हरा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, नस्ल अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी निकलती है। वैसे बच्चे के हाथ में बंदूक होना सही नहीं है, हमें वंश को समझाना चाहिए। तीन तीन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है हमने, यहां तक कि तेरा जना भी हमने ही पाला है। अब तू हमें सिखाएगी कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। अपना दूध तक नहीं पिला पाई तू वंश को, आज बड़ी चिंता हो रही है उसकी। समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए छुपा कर रखी है तेरी ये ममता। आज रसोई परोसने में देरी नहीं होनी चाहिए। मंजली बहू, कोमल, मासी, तू बार बार माँ को मौका देती हो कि वो हम पर शक करे। मानता हूं कि वंश तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम उसकी माँ नहीं बन सकती। माँ जैसी दिख तो सकती हो ना। कैसे दिखूं माँ जैसी, जिस दिन आपने मेरी छोटी सी बच्ची को मारा था उसके साथ मेरी ममता को भी मार दिया था। कैसे दिखूं मैं माँ जैसी? इस तरह पीछे पीछे आने का क्या मतलब? वो माँ, कोमल का फाइनल ओवर चल रहा है ना, आई मीन लास्ट मंथ, तो इसको रसोई में खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती है। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना कोई महाराज रख लिया जाए। अच्छा लगा ये देखकर कि अपनी पत्नी के लिए तुम कितने फिक्रमंद हो। आज दुकान चले जाना और एक खूबसूरत बनारसी साड़ी पसंद कर लेना। ठीक है। अपने लिए। अब रसोई के फैसले तुम लेने लगे हो तो साड़ी तो चाहिए होगी ना, है ना? हमारे घर में रसोई हमेशा घर की बहुएं ही बनाती आ रही, और आगे चलकर भी हमेशा घर की बहुएं ही बनाएंगे। जब यश, आनंद और तुम्हारा जन्म हुआ था तब भी हमारा हाथ आटे से सना हुआ था। छोटी बहू, तुम्हें आराम चाहिए ना, लड़का बनकर पैदा होना चाहिए था, लड़की नहीं। अरे ए, ए भाई, ये गुलाबी रंग की चप्पलें कितने की हैं? 200 रुपए। 200? पैसे तो कम पड़ रहे हैं पर डोरी के लिए चप्पल भी तो लेनी है जी। डोरी नंगे पांव घूम रही होगी, पांव जल रहे होंगे धूप में उसके। अरे महाराज, रेस शुरू होने वाला, अभी तक काहे नहीं आया? मुझे भी दौड़ में हिस्सा लेना है। ए, भागो यहाँ से। अंकल दौड़ने दो ना। अरे समझ में नहीं आ रहा है बोल रहा हूँ, जाओ ना यहाँ से। चल। लड़का फेल हो गया है गणित में और उसकी मम्मी उसको आने नहीं दे रही, कहाँ से लाए छठा बच्चा?
ए लड़की इधर आओ। वो जो छठा बच्चा है उसकी जगह यही को दौड़ा देखा? कहां से दौड़ पाएगी ये, इसके पास जूते भी नहीं है। दौड़ जूतों ने नहीं, दोरी ने दौड़नी है। ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों की रेस है, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। एक्सक्यूज मी, बॉनजोर, मर्सी, ग्रेशियस। खुल गई आंखें, डोरी सिर्फ इंग्लिश नहीं और 10 भाषाएं बोल सकती है। और ये इसने अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखी है, और ये नंगे पाँव इसलिए क्योंकि इसने मन्नत मांग के रखी है कि ये रेस जीतेगी। हाँ ठीक है ठीक है, नाम बताओ अपना। डोरी। लला ठाकुर इधर 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 आइए, इधर जरा जूता दीजिए। हो गया, जूता खुला था। एक बात बताएं लला ठाकुर। बोलो। हमारे गांव में कहावत है ना कि जीत जो है वो जूता से नहीं हौसला से मिलता है। चुप। जूते उतारो। ये देखिए मोटिवेट हो गए। अपने जूते उतारो। अपने जूते उतारेंगे तो चलेंगे कैसे, बहुत गर्म है, पांव जलेंगे ना हमारे। अरे नहीं, चलने के लिए तो हौसले की जरूरत होती है ना, तो जब तक रेस खत्म नहीं हो जाती तब तक बैठो हौसला पकड़ कर। एक बार वाह, ऐसे उतारे हो ना इसकी। हाँ सुनो चक्रिया, लल्ला ठाकुर को कुछ भी दे दीजिए, जूस दे दीजिए, पानी दे दीजिए, छतरी दे दीजिए, पर ज्ञान बिल्कुल मत दीजिए। क्यों लल्ला ठाकुर? भगवान आपका भला करे। ए हट सामने से। आनंद अरे माँ ये लोग। एक मिनट जाओ, जाकर प्रार्थना करो कैलाशी ठाकुराइन के लिए। जाओ आनंद, आज तुम्हारी वजह से जरूरत पड़ सकती है इन गरीबों की प्रार्थना की। चलो मेरी छोटी गुड़िया है, उसके लिए मुझे चप्पल लेनी है, आप मुझे 200 रुपए देंगे ना? हाँ इसे दाल मंडी में इसी पते पे पहुंचा दो तो मिल जाएंगे 200। लेकिन तुम ये काम कर लोगे अच्छे से? काहे नहीं कर पाएंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आधा काम तो बाबा खुद कर लेते हैं, तो हम काहे नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे। ठीक है जाओ। जी राइटिंग में ले लो, जीतेंगे तो हमारे लल्ला ठाकुर ही, पूरे बनारस में तुम्हारा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। चलिए ठाकुर साहब, रेस शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आइए जाइए, जीत के आइए। चलिए आप लोग जाइए। बाबा आज ये दौड़ आपके लिए जीतनी है डोरी को। डोरी आज मैं तेरी गुलाबी चप्पल लेकर आऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे प्रतियोगी आ चुके हैं। इस बार भी हमारे बीच आ गए हैं पिछले साल के चैंपियन वंश ठाकुर। जोरदार तालियां, ये लगातार चैंपियन होते आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस बार भी चैंपियन होंगे। आइए हम दौड़ की तरफ बढ़ते हैं। बाबा बाबा की सिलाई मशीन, डोरी की चप्पल।
भी चिल्लाए मुझसे। तो बच्चों तैयार हो जाइए, कुछ ही पलों में रेस शुरू होगी। अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए। आनंद, शुक्ला जी हमारे बनारसी साड़ियों के बहुत बड़े खरीदार हैं। इस तरह अचानक उनका बुलाना सही संकेत नहीं है। कहीं साड़ियों की क्वालिटी में कोई ऊंच नीच तो नहीं हुई है ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कोई बड़ा सौदा करना होगा इसलिए बुलाया होगा। हम मानते हैं आदमी के हिस्से में व्यापार और औरत के हिस्से में घर और संस्कार। तुम्हारे बाबूजी ने पहले भी जब व्यापार से अपना ध्यान हटा दिया था तब हमें आना पड़ा। यश के पैदा होने के बाद हमने उसे तुम्हें सौंप दिया, लेकिन आज एक बार फिर हमारे चौखट की दहलीज को लांघकर इस दुनिया में हमें वापस आना पड़ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो आनंद। ये नाम सोला श्रृंगार सिर्फ साड़ियों का शोरूम नहीं है, 100 साल पुरानी खानदानी विरासत है हमारे परिवार की। और इस विरासत पर चोट लगे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। शुक्ला जी। हाँ शुक्ला जी, बस बस पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। नहीं नहीं और लेट नहीं होंगे जी। On your mark. Get set, go! ओ भैया, ये गुलाबी चप्पल दे देख। तितलियां मेरी डोरी को बादलों की सैर कराएंगी। वंश ठाकुर को बचाते हुए अपने आप को आगे कर लिया है। साम दाम दंड भेद, जीतने के लिए जो करना है करो, बट ऑलवेज विन। तेज चलो, देर नहीं होनी चाहिए।